वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसे आप देख पा रहे हैं कि इफ़ टेन ए इक्वल टू अंडर रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू सेक ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे करना, और बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसमें जो टेन ए इक्वल टू रूट थ्री लिखा है, इससे एंगल की वैल्यू निकालेंगे, देन हम उसके बाद उसमें पुट करेंगे और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम करना चालू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू आपको गिवन है रूट थ्री, और रूट थ्री आप जानते हैं कि हम लिखेंगे वी नो दैट रूट थ्री जो होता है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1060 के इक्वल होता है, 1060 के इक्वल या 1060 की वैल्यू होती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 10a इक्वल 1060, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो ये की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1060 डिग्री आएगी। इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, ईजिली देखिए तो लिखा हुआ है 1 square 60। आप जानते हैं कि जो 60 की वैल्यू होती है इसमें वो होती है 1060 की वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस और 1060 की वैल्यू आप देख पाए रूट थ्री है, तो रूट थ्री का हो जाएगा हमारे पास यहाँ स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 जब 4 अपॉन 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता तो 3 बचेगा, तो ये आएगा हमारे पास 4 अपॉन 4। इससे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।